चौधरी विंदर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और हिसार में एक बड़ी जीत दिलाने के बाद दिल्ली में बैठे हुए हैं। सर मुबारक हो सबसे पहले तो, और बहुत ही मौके पर आपने एक ऐलान के साथ हम लोगों को इंट्रोड्यूस कराया था अपने पुत्र से और वो अब विनर बनकर दिल्ली पहुंच चुके हैं। अभी साथ ही आपके बैठे हुए थे, व्हाट नेक्स्ट? अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ कि हिसार की जनता ने जो विश्वास प्रत्याशी में ब्रजेंद्र सिंह में व्यक्त किया है वो उस बात पे खरा उतरेगा। और आज की राजनीति एक नए दौर की राजनीति है और उसमें मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा उपयुक्त है आज की समस्याओं के प्रति, और उनका निदान कैसे हो ये सारी बातें मुझे लगता है कि लोगों की जो सोच है उसके अनुसार वो अपना राजनीतिक जीवन एक मेंबर पार्लियामेंट की हैसियत से शुरू करेगा। आपकी रणनीति थी, बिजेंद्र का फेस था और मोदी का नाम था, इन तीनों का जो समीकरण हिसार में पहली बार कमल का जो फूल खिला है उसके बाद लगता है कि एक रिप्रेजेंटेशन भी शायद मिलना चाहिए हिसार से, जिस तरह से जिस जीत की इंपॉर्टेंस है, तो क्या रहेगा? आप उसी दिन रिटायर कर गए थे कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर कर रहा हूँ, अब दावेदारी शायद बिजेंद्र की बनती है। एक्टिव पॉलिटिक्स से नहीं, मैंने ये कहा था कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति से रिटायर हो रहा हूँ। बाकी तो राजनीति में बहुत कुछ और भी चीज़ें हैं करने को, लेकिन ब्रजेंद्र सिंह का अपना एक प्रशासनिक अनुभव है और फिर एक ऐसे राजनीतिक परिवार से है जिसने किसान और खमेरे वर्ग के लिए 100 साल तक एक संघर्ष किया है। आज भी मैं समझता हूँ कि किसान और जो खमेरा वर्ग है उसके लिए और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और अगर आप चुनाव परिणाम देखें तो चाहे किसान था चाहे ये हमारा खमेरा वर्ग था, इनके मन में एक बात ज़रूर थी कि अगर हम नरेंद्र भाई मोदी को दिल से मदद करेंगे तो एक बड़ा उनके मन में ये था कि वो हमारे लिए बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि गरीबी और अमीरी की जो खाई है, जो विषमता है, उसको मिटाने के प्रधानमंत्री के प्रयास से किसान और खमेरा वर्ग अवगत था। और यही मैं मान के चलता हूँ कि लोगों ने यह चुनाव लड़ा है, मोदी जी की एक सोच को लेके खुद मतदाता आगे बढ़ा है और मतदाता ने यह कहा कि मोदी जी को समर्थन दो, वोट दो, और 5 साल में वो देश की जो जिस देश को हम एक बड़ी राष्ट्र और बड़ी अर्थव्यवस्था मान के चलते हैं वो मोदी जी ही कर सकते हैं। 4 दशक से ज्यादा आपको राजनीतिक करियर का अनुभव रहा है, करीब करीब 47 साल का, क्या कहेंगे कांग्रेस क्या स्टेट में 0 पे आ गई, राहुल गांधी हार गए, और हरियाणा में अगर बात कर लें भूपेंद्र सिंह हुड्डा हार गए, दीपेंद्र हुड्डा हार गए, और एक तरह से जो बड़े तमाम जो नाम थे हरियाणा से लेकर ओवरऑल इंडिया में बात करें वहां गुना से जो सिंधिया साहब थे वो भी हार गए, कैसे आकलन करते हैं ये, कैसे बड़े बड़े किले और बड़े बड़े नाम धराशायी होते चले गए? आकलन सीधा है कि जनता ने ये मान लिया कि दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में जरूर लेके आना है। और ये जब भावना, क्योंकि मैं देखिए लोग कहते हैं जी एंटी इनकम्बेंसी से लोग रेबल होते हैं, वो उसके खिलाफ वोट करते हैं, यहाँ तो अजीब था, पहली बार मैंने देखा कि प्रो इनकम्बेंसी, यानी जो जिसकी सत्ता है 5 साल वो सही मान के लोगों ने कहा कि हाँ दोबारा से इनको देंगे। तो ये वोटर के मन में जो बात जगी ये अपने आप में एक नई चीज थी। इसलिए राहुल धराशायी हो गया, बहुत कुछ धराशायी क्या, यानी आप अगर हर राज्य का देखें तो किसी राज्य में कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं था, जो हवा हरियाणा में थी वो महाराष्ट्र में भी थी, जो हवा गुजरात में थी वो राजस्थान में भी थी। एक आखिरी सवाल, खासतौर से हरियाणा में आप नाम नहीं ले रहे हैं, कुछ आंकलन तो बताइए रोहतक का और खासतौर से सोनीपत का, इन एक विषय बना हुआ है कि अब सिर्फ बीजेपी है और इसका कितना असर रहेगा, और खासतौर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की हार। देखिए हम पार्टी के तौर पर ये सोचते थे कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत संघर्ष रहेगा वो सिर्फ 3 सीटों
को हम नजर में रखते थे, रोहतक, हिसार और सोनीपत। लेकिन परिणाम अगर आप देखें तो रोहतक में तो संघर्ष रहा, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन जीत हमारी हुई। और दोनों सीटें जो सोनीपत और हिसार की थी, लोगों ने एक मन से मतदान किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को 10 की 10 सीटें देनी है, तो इसलिए हिसार और सोनीपत भी कोई अछूते नहीं रहे और बड़े आराम से हमारे जो दोनों रमेश कौशिक जी भी और ब्रजेंद्र सिंह दोनों जीत के आए हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव हारना, मैं ये समझता हूँ कि एक तो उनको खड़ा क्यों किया गया, जब बेटा लड़ रहा था तो कोई ज़रूरी नहीं था, किसी और कांग्रेस के बड़े नेता को उतार सकते थे। लेकिन जो भी पार्टी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने, उसको मैं ये कहूँगा कि उन्होंने ये सोच के कि हम हैवी वेट को उतारें। लेकिन आजकल इतनी एक्सरसाइज चल रही है और इतनी टेक्नोलॉजी में परिवर्तन है कि हैवी वेट लाइट वेट हो जाता है एकदम से। विधानसभा के लिहाज से देखते हैं कि कई राजनीतिक परिवारों का या राजनीतिक जो बड़े नाम थे उनका करियर यहाँ से थोड़ा सा डाउन है और विधानसभा में चुनौती नहीं दे पाएंगे बीजेपी। देखिए, विधानसभा इसी माहौल में चुनाव होंगे। जो मानसिकता आप बनी है लोगों की मोदी जी के प्रति और भाजपा की नीतियों के प्रति, और मन में एक उम्मीद कि अगर केंद्र में सरकार है तो राज्य में भी उसी पार्टी की सरकार हो तो ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सकता है, इसी दृष्टि से लोग अगले चुनाव में असेंबली का जो चुनाव होगा हरियाणा में जो सितंबर अक्टूबर में, उसमें इसी सोच के साथ जाएंगे। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो चौधरी विंदर सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी की लहर तो थी ही, लेकिन तीन जो सबसे टफ सीट नजर आ रही थी उनको भी जीतने का काम किया और इसका जो असर है आने वाले विधानसभा चुनावों में भी निश्चित तौर पर नजर आएगा। कैमरा पर्सन आकाश ठाकुर के साथ विनोद लांबा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।